नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर रामलीला दशहरा कमेटी सेक्टर 3 में सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया। दरअसल गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और गांधी जी के स्वच्छता के सपने को साकार करना है। इस मौके पर कपिल डागर, शिव सिंह मलिक, रमेश भारद्वाज, होतम चौधरी, संदीप शर्मा, राजपाल सिंह, प्रोफेसर जेके, मास्टर नरेंद्र लांबा और प्रोफेसर केपी सिंह मौजूद रहे। साथ ही सफाई अभियान का हिस्सा बने। साथ ही इस मौके पर सभी लोगों ने झाड़ू लगाते हुए अपना योगदान दिया और लोगों को जागरूक किया कि सफाई पर खासतौर से ध्यान देना चाहिए। फरीदाबाद में राजस्थान एसोसिएशन परिचर्चा का आयोजन राजस्थान भवन सेक्टर 10 में किया गया। मुख्य वक्ता दूरदर्शन के निर्माता निदेशक अमरनाथ अमर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक संगठन समाज को जोड़ने का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर करते हैं। राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण बजाज ने कहा कि उनकी संस्था हमेशा समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह निर्वहन करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी दलाल और पार्टी के पदाधिकारियों ने जन जागरण पदयात्रा की शुरुआत की। यह पैदल यात्रा लोहारू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से स्वच्छता और सरकार की योजनाओं की जानकारी देती हुई 30 अक्टूबर को हल्के के गांव बडवा में संपन्न होगी। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष जेपी दलाल ने यात्रा का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वच्छता ही मानव की तरक्की का आधार है। यात्रा के संयोजक कमलेश कुमार भोड़ुका ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हर गांव और हर घर तक स्वच्छता का संदेश केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को पहुँचाएगी। बढ़ते आगे, होटल के गढ़िया बाजार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं और लाल बहादुर शास्त्री की 114वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेस विधायक उद्यभान ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर फूल मालाएं चढ़ाई। उद्यभान ने कहा कि आज देश की दो महान आत्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। इस दौरान राजनीति की बातें भी जोर शोर से उठी। विधायक गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जीवन शैली पर प्रकाश डालने की बजाय बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। कोसली के विधायक विक्रम सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकालकर ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया। कैंप कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा शुरू की। भारी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा के दौरान विधायक विक्रम सिंह यादव सर्वप्रथम नया गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने गाँव के मंदिर और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुँचाना और गांधी जी के स्वच्छता के सपने को साकार करना है। अभियान के दौरान महात्मा गांधी जी ने जिस स्वच्छता अभियान के नारे को अंजाम दिया था, उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज क्रियान्वित करके देश के हर नागरिक को जागरूक किया। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को हर उस वर्ग तक, उस व्यक्ति तक पहुंचाना, प्रसार करना आज के जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हर गांव टू गांव नीतियों को हर आदमी तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में दोबारा सेंटर में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने और उसी प्रकार हरियाणा में जिस प्रकार पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ आई, उसी प्रकार हरियाणा में भी स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य आरंभ हो गया। उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ढाईना में पहले कोसली विधानसभा में दो ब्लॉक थे, जो तीसरा ब्लॉक शुरू हो गया और काफी हमारी योजनाएं कोसली के चलते में पाइपलाइन में है और जब ये सारी क्रियान्वित हो जाएंगी तो 50 साल का कार्यकाल एक का विकास एक तरफ रहेगा और 4 साल के कार्यकाल का विकास एक तरफ दिखाई देगा। अपनी मांगे मनवाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी लालबत्ती चौक के समीप स्थित अम्बेडकर पार्क में सत्याग्रह पर बैठे। साथ ही सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारियों के संघर्ष के बाद सरकार उनकी मांगे मान लेती है और फिर उसका नोटिफिकेशन जारी करने में आनाकानी करती है। वादा खिलाफी का आरोप लगाने के साथ साथ कर्मचारियों ने सरकार पर उनके हितों की अनदेखी करने और कर्मचारियों के विरुद्ध दमनकानी और उत्पीड़नकारी नीतियों का प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने
कर्मचारियों पर एस्मा जैसे कानून लागू किए हैं। अगर सरकार इस सत्याग्रह से नींद से नहीं जागी तो आने वाली 28 अक्टूबर को वे प्रदेश के सभी मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का घेराव करेंगे, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो 8 और 9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल में सर्व कर्मचारी संघ से जुड़ा हर एक कर्मचारी हिस्सा लेगा। पूरे हरियाणा में सभी जिला स्तर पे इस प्रकार का सत्याग्रह, सरकार ने जो कर्मचारियों का चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव था, सरकार ने बातचीत करने की बजाय कर्मचारियों के ऊपर जो दमन का रास्ता अपनाया है, सरकार ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, गोलियां चलाई, कर्मचारियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। इन सब बातों को लेकर कर्मचारियों का आज पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सत्याग्रह का प्रोग्राम है, और इसके बाद भी हम पूरे हरियाणा के जो मंत्री है उनके हलकों में जाके उनके सभी गांव में सभाएं करेंगे, और 28 तारीख को जो 10 हरियाणा के मंत्री और बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष हैं उनके हम घेराव करेंगे। और सरकार फिर भी अगर कर्मचारियों की बातों को ना सुनी तो पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी 8 और 9 जनवरी को 2 दिन की हड़ताल भी करेंगे। बढ़ते आगे, भवानी खेड़ा कस्बे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भवानी खेड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं मीटिंग में पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी के जरिए हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने और पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर परिवार जोड़ो अभियान चलाया हुआ है। इस मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने बताया कि इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने को लेकर गाँव में फ्लैक्स बैनर भी लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अब तक लगभग 400 गाँव के आसपास खुद घरों में जाकर लोगों को जागरूक किया, जिसका लोगों में उत्साह है, और हरियाणा में अब की बार सभी सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा बगैर किसी पार्टी से गठबंधन किए। पार्टी ने परिवार जोड़ो अभियान चलाया है पूरे हरियाणा के अंदर, तो उसी के तहत आज भवानी खेड़ा में हमारा प्रोग्राम है और हर गांव के अंदर हम लोग जा रहे हैं, फ्लैक्स लगा रहे हैं। फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि मैं और मेरा पूरा परिवार आम आदमी पार्टी के साथ है, और इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है लोगों के अंदर, और लगभग 400 के आसपास पूरे हरियाणा में हम लोगों ने गाँव कवर किए हैं, लगे हुए अभी सारे गाँव में, एक ए टू जेड हर गाँव में जा रहे हैं, और पार्टी के कार्यकर्ता खुद जाके होर्डिंग, कोई पेड आदमी होर्डिंग नहीं रहा, पार्टी के कार्यकर्ता खुद जा रहे हैं, खुद होर्डिंग लगा रहे हैं। जो दिल्ली में हमारी सरकार बनी है तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य किसानों के लिए जवानों के लिए बहुत अच्छे काम हुए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हरियाणा में भी ऐसे हो और पूरे देश में ऐसे हो, क्योंकि सभी सरकारों से उब चुके हैं, झूठे वादे करके आते, बड़े बड़े घोषणा पत्र लेके आते हैं और उनमें से काम कुछ होते नहीं। 50% भी काम हो जाए तो जनता खुश हो जाए, और महिलाओं को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि काम होंगे। हम जाते हैं प्रचार के लिए तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि जेंट्स तो ये चर्चा चौपालों में इनकी तो होती रहती है, न्यूज सुनते हैं, इनको तो पता है, फिर भी हम चाहते हैं कि औरतों को भी विश्वास मिले, ये पार्टी और अच्छा काम करे ताकि विश्वास करे, उनको सुविधाएं मिले। करनाल के चांदसराय में एक विवाहिता की मौत के मामले में मायके वालों ने पति देवर और सास ससुर पर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सिटी पुलिस ने महिला कंचन के शव का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवा दिया, साथ ही शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजीव कॉलोनी के मोनू की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दहेज की मांग और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मृतक कंचन के परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और एक बार आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया गया, जिसके चलते वो पुलिस अधीक्षक को मिले और उन्होंने थाना इंचार्ज को तुरंत आदेश दिए कि उन लोगों को गिरफ्तार करें। परिजनों के आरोप के मुताबिक मोहनलाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके छोड़ा नहीं जाता, बल्कि तुरंत अदालत में पेश किया जाता है। लड़की मारी गई जी, इसलिए आई। कहाँ ब्याही हुई है वो? करनाल में, चांदसराय। तो क्या मामला था जी, कैसे हुई उनकी? पहले जी उनके सिर फोड़ दिया लड़की को। सिर फोड़ा कब? 15 दिन पहले जी। और तो हम आए तो उन्हें हाथ मेहनत जोड़ लिया, लड़की रख ली तो हम छोड़ गए, समझा समझे उन्हें रख ली, अब कहा कहकर उन्हें फांसी लगा कर मार दी। कब मारा? और शुक्रवार की सांझ को मारा, 8-9 बजे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। कहाँ के रहने वाले हैं? होटल के रहने वाला हूँ। तो आपकी सिस्टर के बारे में जो मामला है वो बताएं, क्या है? मेरी सिस्टर यहाँ चांदसराय में भी आई, शादी हुई थी उनकी, और लगभग 3.5-4 साल में उनकी शादी हो गए थे। तो उसके साथ उन्हें घर वाला जो अंकित है उसके साथ मारपीट करता था, हफ्ते पहले उसने उसका मारपीट की थी, और सिर फोड़ा था उसका।
सर उसके ये मम्मी है इसके, मेरे मुस्ते जी हैं और ये पिताजी हैं, पैर से अब आए जब चल फिर नहीं सकते हैं, इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हफ्ते पहले आए थे उसके लड़के पास आए थे, माता पिता दोनों आए थे उसके, उनको समझाए गए थे, लड़के को लेकर कहने लगे हम तो लड़के को अपने साथ लेके जाएंगे, तो उसकी लड़के के जो लड़के लड़का है उसके माता पिता गेट के सामने अट गया, भाई आपकी बात छोड़ दो, माफ़ कर दो, हम लड़के को समझा देंगे। ये चलो उनको अनुशासन दे दिया भाई, चलो हम तसली कर दिए इनकी, भाई हम आगे से काम नहीं करने देंगे, हम लड़के को समझा देंगे, ये घर पर चले गए समझा के उनको। उसमें शनिवार को एक लड़की की कंचन की डेथ हुई है, ये बल्लभगढ़ की रहने वाली है, परमानंद की लड़की है और यहाँ ये अंकित के साथ शादीशुदा है चांसराय में। तो इन्होंने लड़की ने अपने घर में ही फांसी लगा के अपनी आत्महत्या की है। तो घर वालों का ये एलिगेशन है कि इसने दहेज के लिए इसको लड़की को लगातार तंग करते थे और मोटरसाइकिल की मांग करता था लड़का, और उसी मोटरसाइकिल की मांग को लेकर सास ससुर और देवर और जेठ इसको देवर और इसका पति तंग करते थे। तो उनके बयान पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, मुकदमे के बाद लड़की का पोस्टमार्टम करवाया था और पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी थी वो उसके मायके वाले ही लेके गए थे, उन्होंने ही उसका संस्कार किया और अब हमने इसके डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद लड़की को गिरफ्तार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।